आई एग्री विद यू, आई थिंक ये मिलना नामुनासिब था. एंटरटेनमेंट से सो क्लेरिफाई करते, जस्ट बिकॉज रिटायर्ड जनरल है डजंट मीन के वो जहाँ जाए चले जाए, क्योंकि वो पार्टी मेंबर नहीं है. प्राइम मिनिस्टर का दूसरों का मिलने का कम से कम, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन एक जवाब है कि वो उनकी पार्टी के मेंबर हैं, वो पार्टी के लीडर हैं. ठीक. ये ना तो पॉलिटिकल आदमी है, ना ये पार्टी मेंबर है. ये इनके पास सोली डिजिग्नेशन एक ऑफिशियल कैपेसिटी का था. उस ऑफिशियल कैपेसिटी में इनको जाके किसी को भी अगर मिले तो उसका एक बड़ा क्लियर जवाब होना चाहिए. खासतौर पर जब ऐसी सिचुएशन हो तो आई थिंक ये टोटली ये आउट ऑफ लाइन थी ये मीटिंग. और ये बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को इस पर डिस्कशन देनी चाहिए कि वो गए तो किस सिलसिले में गए, किस कैपेसिटी में गए. और अगर जैसा कहा जा रहा है 5-6 घंटे की मीटिंग जी, तो वो तो 5-6 घंटे में तो आप दुनिया के मसले हल कर लेते हैं. यही मैं कह रही हूँ. देखे ना, आप खुद सोचें भाई. और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उस वक्त जब अफगानिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान, गुलभूषण, कितना कुछ हो रहा है, तो आप किस कैपेसिटी में? ऑब्वियसली ही नीड्स टू एक्सप्लेन. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के शहबाज शरीफ की मुलाकात, शहबाज शरीफ साहब को जाना कैसे देखते हैं? कोई और सऊदी इन्वॉल्वमेंट? नहीं, देखिए काफी चीजें चल रही हैं अभी तो. खैर, एक्सट्रीम में चोर के हम इससे ज्यादा हम इससे क्या सराई कर सकते हैं. और उसमें काफी काफी एलिमेंट्स हैं. देखिए, यहाँ रिलीजियस मूवमेंट्स भी कुछ पनप रही हैं. हो सकता है वो उसके अंदर भी कोई इंफ्लुएंस यूज करना चाहते हो, रिलीज यूज करता हूँ. और ये देखिए, ये जो हाउस ऑफ सुजैरी था, ये अब आखिरी उसके ये लिनियज में है जिससे इस फैमिली का ताल्लुक है. जो 7 भाई थे उनमें से आखिरी है किंग सलमान.